हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन कंटिन्यूशन विद माय लास्ट वीडियो इन विच आई हैव है अबाउट द प्लांट इंडिकेटर्स या पादप सूचक आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गैनिजम्स बोथ प्लांट्स और एनिमल्स सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स आर स्पीशीज Used by observers to determine how various conditions in an environment have changed over time. मिस बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या होती हैं कोई भी स्पीशीज हो सकती हैं और जिनको हम क्या करते हैं दे आर यूज बाय द ऑब्ज़र्वर्स या जो भी ऑब्जर्व observe हम ऑब्ज़र्वर्स उनको यूज़ करते हैं जिससे कि एरियस जो इन्वामेंटल कंडीशनस हैं जो कि ओवर द टाइम चेंज हुई हैं उनको हम उन बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की हेल्प से उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकें या चेंजेस को डिटर्मिन कर सकें यूज़ टू मोनीटर द हेल्थ ऑफ़ एन एन्वायरमेंट और इकोसिस्टम तो इन इंडिकेटर्स से हम किसी भी एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम की हेल्थ की मतलब वो पॉल्यूटेड है नहीं है मतलब ऑल टुगेदर वो इट इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स वो होते हैं दैट कैन टेल अस अबाउट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स इन द इकोसिस्टम एंड अबाउट हाउ लॉन्ग अ प्रॉब्लम मे हैव बीन प्रेजेंट विथ फिजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग कैन नॉट और इन इंडिकेटर्स की मदद से हम जो भी डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं और वो प्रॉब्लम कितने टाइम से उस इकोसिस्टम में पर्सिस्ट है इसका पता लगा सकते हैं जो कि किसी भी फिजिकल और केमिकल टेस्ट से संभव नहीं है अब बायोलॉजिकल मॉनिटर और बायो मॉनिटर कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड इट ओके तो ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर से हम जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसके बारे में उसके जो उसकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं दियर फोर अ गुड बायोमानीटर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द पोल्यूटेंट एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सपोजर दैट मीन्स एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर से हम जो अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट और उसके बाद उसकी क्या इंटेंसिटी रही या किस किस हद तक उसने एक्सपोज किया है उस एनवायरनमेंट को ये सब चीजें हम एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर से पता कर सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ बायो इंडिकेटर्स क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए गुड इंडिकेटर एबिलिटी मतलब उसकी जो इंडिकेशंस हैं जो कि उसकी सूचना है वो गुड होनी चाहिए मतलब गुड मीन्स उनको वो दिखनी चाहिए ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए ओके एबंडेंट एंड कॉमन कॉमन होना चाहिए जो भी इंडिकेटर हो ऐसा नहीं हो कि बहुत रेयर स्पीशीज़ uh, हो जिसको आप इंडिकेटर के जैसे यूज़ कर रहे हैं वो बहुत एबंडेंटली मिलना चाहिए और कॉमन होना चाहिए वेल well स्टडीड होना चाहिए उसकी जो भी uh, जो भी उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं दैट मीन्स उसकी जो फिजियोलॉजी है या उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो वेल well स्टडीड होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि वो नॉर्मल कंडीशन में उसकी क्या मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज हैं नॉर्मल और यदि वो चेंज हो रहा है किसी भी पॉल्यूटेंट के एक्सपोजर से तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमिकली और कॉमर्शली इम्पॉर्टेंट होना चाहिए नाउ प्लांट्स एज बायो इंडिकेटर्स तो जब हम प्लांट्स एज बायो इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं दैट मीनस हम किसकी बात कर रहे हैं प्लांट इंडिकेटर्स की ओके तो प्लांट्स कैन इफेक्टिवली बी यूज एज चीप एंड नेचुरली अवेलेबल मॉनिटरिंग सिस्टम और बायो एसिस ऑफ़ द लेवल एंड टाइप ऑफ एयर सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन इन एन एरिया दैट मीन्स को हम एक बहुत सस्ता और नेचुरली अवेलेबल क्या है एक बायो इंडिकेटर है जिससे कि हम एयर सॉयल या वाटर पॉल्यूशन के बारे में जो भी उस लोकलाइज्ड एरिया उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं the type and concentration of a pollutant can be reliably found out by the various characteristics damages symptoms produced in the plants because such damage symptoms are पोलिटेंट स्पेसिफिक एज वेल एज़ कंसेंट्रेशन स्पेसिफिक तो उन जो पॉलिटेंट्स की वजह से जो भी डैमेज जो भी चेंजेस हो रहे हैं प्लांट्स के अंदर वो क्या होते हैं बहुत पॉल्यू पॉल्यूटेंट स्पेसिफिक भी होते हैं और कितने पॉलिटेंट की कंसेंट्रेशन क्या उसके भी स्पेसिफिक होते हैं तो उन प्लान्टडिकेटर्स की मदद से हम पोल्यूटेंट्स स्पेसिफिक मतलब कौन सा पॉल्यूटेंट है और उसकी क्या कंसंट्रेशन है ये सब पता लगा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन यंग नीडल्स ऑफ पाइनस क्लोरोसिस 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 होना चाहिए क्लोरोसिस इंडिकेट्स एसोटू पॉल्यूशन नेक्रोसिस इंडिकेट्स एच एफ पॉल्यूशन ब्लीचिंग इंडिकेट्स एनोटू पॉल्यूशन कुछ इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं टाइपिंग के अंदर जैसे ब्लीचिंग है तो वैन यू राइट इट डाउन या वैन यू मेक नोट्स तो प्लीज करेक्ट इट ओके सो ब्लीचिंग इंडिकेट्स एनो टू पॉल्यूशन वाइल क्लोरोटिक मॉटल इंडिकेट सी एल टू पॉल्यूशन इन द एटमोसफियर दैट मीन्स यदि जो पाइनस की नीडल्स के अंदर अलग अलग सिम्टम्स दे रखे हैं जो कि किस किस पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं मतलब यदि उसके अंदर क्लोरोसिस है दैट मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल है जो लीव्स हैं वो येलोइंग हो रही है तो वो किसकी वजह से होता है हो सकता है एसोटूब पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है यदि उसमें नेक्रोसिस है मतलब सेल्स के अंदर क्या हो गया कुछ बर्निंग सा हो गया या वो जल गई हैं सेल्स तो वो एच एफ पॉल्यूशन हाइड्रोजन फ्लोराइड की वजह से हो सकता है ब्लीचिंग हो गई है वो एनोटू पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है ओके वेल क्लोरोटिक मोटल्स मोटल्स मीन्स भी मतलब स्पॉटेड स्पॉट्स कुछ बन गए हैं तो वो भी क्लोरीन पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है दीज करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ डैमेज इन यंग पाइन नीडल्स अपियर ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो पॉइंट थ्री पी पी एम फॉर एस ओ टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन पी पी एम फोर एच एफ एंड वन पॉइंट जीरो पी पी एम फॉर सी एल टू तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखिए कि ये सिम्टम तभी शो होंगे जब यह पॉल्यूटेंस की जो uh, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी होएगी मिनिमम या फिर इससे ज़्यादा होगी सिमिलरली ब्राउनिंग इन मॉस लीवस ड्यू टू फ्लोराइड एक्यूमलेशन इन फाइव परसेंट इज सिक्सटी फाइव पी पी एम ड्राइव

कल्टिवेटेड एंड इंट्रोड्यूस स्पीशीज शुड भी अवॉइडिड मतलब जो भी हम प्लांट ले रहे हैं एज एन इंडिकेटर वो वहाँ का लोकल या नेटिव स्पीशीज़ होनी चाहिए कल्टिवेटेड या कोई बाहर से लाई हुई स्पीशीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए द स्पीशीज सेंसिटिव टू पॉल्यूटेंस शुड बी फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द लोकल फ्लोरा एंड देन यूज फॉर पॉल्यूशन मोनिटरिंग टरेंट स्पीशीज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड अवॉइडेड इन सच वर्क तो कुछ स्पीशीज जो कि टॉलरेंट हैं दैट मीन्स यदि वो टॉलरेंट होंगी तो वो पॉल्यूटेंट्स के इफेक्ट को शो नहीं करेंगी तो so, हमें जो टॉलरेंट स्पीशीज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और उन्हें हमें इंडिकेटर्स की जैसे यूज नहीं करना चाहिए ओके okay? Now damage symptoms for a particular pollutant should be studied in different species sensitive to that pollutant so that presence of the pollutant इन द एरिया में भी क्रॉस चेक ओके तो डैमेज सिम्टम्स जो है कि पर्टिकुलर पॉलिटन के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए हमें डिफरेंट uh, स्पीशीज़ पर एक्सपोजर करके उस पर्टिकुलर एरिया में यूज़ करना चाहिए जिससे कि उनका पॉल्यूशन का जो सिम्टम्स है वो क्रॉस चेक हो सके फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रे नक्रोसिस इन जूरेनियम आइवर इन एक्रोसिस इन जीनिया ब्राउन नेक्रोसिस इन क्राइजेंथीम एंड रेडिश नेक्रोसिस इन एजेलिया इंडिकेट्स एब्सोल्यूटली सर्टेन प्रेजेंस ऑफ एसोटो पॉल्यूशन इन एरिया दैट मीन्स एसोटो का यदि पॉल्यूशन है तो इन सारे प्लांट्स के अंदर लाइक उससे क्या हो जाएगा जिरेनियम में ग्रे नक्रोसिस हो जाएगा क्राइजेंथीम के अंदर ब्राउन नेक्रोसिस हो जाएगा जेडिश नैक्रोसिस हो जाएगा एजिलिया के अंदर तो ये सारे अलग अलग प्लांट स्पीशीज किस शो कर रहे हैं सल्फर डाईऑक्साइड पॉल्यूशन को शो कर रहे हैं मैनी टाइप्स ऑफ डैमेज सिम्टम्स विज मर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल अल्ट्रास्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एक्सेट्रा शुड बी स्टडीड इन वन और मोर सेंसेटिव प्लांट स्पीशीज टू असर्टेन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट इन द ए एरिया तो किसी भी एक स्पीशीज की हमें डिटेल्स में लाइक इसकी मर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल सब कुछ उसकी डिटेल में स्टडी करनी चाहिए फॉर द नॉर्मल जब एनवायरमेंट है या फिर पॉल्यूटेंट एनवायरमेंट में जो भी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट एनवायरमेंट में हमें उसको स्टडी करना चाहिए सैम्पल्स शुड बी टेकन फ्रॉम एज मेनी डिफरेंट साइट्स इन द एरिया एज पॉसिबल अलग अलग एरिया में जितने भी आपके मतलब सैंपल्स हैं वो मैक्सिमम आपको लेने चाहिए

जस्ट टू मेक इट श्योर कि जो ये सिम्टम्स हैं वो पॉल्यूटेंट की वजह से है। क्योंकि यदि पॉल्यूशन की वजह से यदि ये सिम्टम्स हैं तो जैसे जैसे सपोज पॉल्यूशन का सोर्स सपोज एक एक एक्स पॉइंट पर है तो एक्स से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे प्लांट्स में वो सिम्टम्स कम होते जाएंगे ओके okay? पर यदि कोई पैथोजेनिक सिम्टम है और वो एक्स पर भी पैथोजेनिक सिम्टम वही रहेगा और वाई जो एरिया है उस पर भी वो पैथोजेनिक सिम्टम वही रहेगा बिकॉज पैथोजन की जो इंटेंसिटी है वो सब जगह सेम है या वो सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है बट यदि हम पॉल्यूटेंट की बात करें तो वो सोर्स पर ज़्यादा होएंगे उसके सिम्टम्स और जैसे जैसे उस सोर्स से दूर जाते जाएंगे पोल्यूशन कम होता जाएगा या सिम इससे सिम्टम्स की जो है प्लांट्स के वो भी कम होते जाएंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज सिम्टम्स इन प्लांट्स अक्रिंग ड्यू टू सम कॉज अदर देन पॉल्यूशन एग्जाम्पल ड्यू टू पैथोजन और एन्वायरमेंटल कंडीशन और न्यूट्रिशल डेफिशिय एक्सेज शुड बी थरोली चेकड एंड रूल्ड आउट और उसके हमें साइमल्टेनियसली ये सिम्टम्स हमें ये स्टडी करने चाहिए कि जो भी सिम्टम प्लांट्स शो कर रहा है वो पॉल्यूटेंट की वजह से ही है वो किसी भी न्यूट्रिशन डेफिशियंसी या पैथोजन की वजह से नहीं है ओके नाउ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज यूज इन पॉल्यूशन मॉनिटरिंग तो इसके लिए क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए प्लांट स्पीशीज में द प्लांट स्पीशीज यूज टू मॉनिटर पॉल्यूशन इन एन एरिया शुड हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर द सक्सेस ऑफ सच प्रोग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सच फीचर्स आर स्पीशीज़ शुड बी ईजी टू आइडेंटिफाई इन द फील्ड एंड ईजी टू हैंडल फॉर द डैमेज एनालिसिस वो ईजीली आइडेंटिफाई होने चाहिए प्लांट स्पीशीज जिसको आप एज अ इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं और उसका जो डैमेज एनालिसिस उसको हम आराम से उसको स्टडी कर सके स्पीशीज शुड हैव अ वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट इट कैन बी यूज इन डिफरेंट एरियाज़ और वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए तभी हम उसको स्टडी कर सकते हैं स्पीशीज शुड बी सेंसिटिव टू मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिटेंट्स सो दैट इट कैन बी यूज टू मोनिटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द ए एरिया और अलग अलग पॉलिटेंट्स के लिए भी वो सेम स्पीशीज़ सेंसिटिव होने चाहिए जिससे कि हम अलग अलग पॉल्यूटेंट्स को स्टडी कर सकें इस्पीज़ शूड बी प्रोड्यूस हाईली स्पेसिफिक डैमेज सिम्टम्स इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर टाइप एंड कॉन्सनट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स और इस उसको क्या करना चाहिए स्पीशीज़ को अ, अच्छे स्पेसिफिक डैमेज सिम्टम्स उसको प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो पॉल्युटेंट है उसके रिस्पॉन्स को या उसको हम आसानी से स्टडी कर सकें नो मैथड्स ऑफ यूजिंग प्लांट्स एज पॉल्यूशन और इंडिकेटर्स और मॉनिटर्स क्या मैथड्स हैं सबसे ये है वेजिटेशनल एनालिसिस डिक्रीज इन द डेंसिटीज ऑफ सेंसिटिव स्पीशीज इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ टॉलरेंट स्पीशीज एबसेंस ऑफ हाईली सेंसिटिव स्पीशीज चेंज इन द स्पीशीज कम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन द ए एरिया स्टडी ये चीज़ें हमें सारी स्टडीज़ करनी चाहिए उस एरिया के लिए सच स्टडीज़ इंडिकेट द टाइप एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एज़ वेल एज द स्प्रेड ऑफ द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन द ए एरिया जब हम ये सारी चीज़ें स्टडी कर लेते हैं कि कौन सी प्लांट सेंसिटिव है कौन सा टॉलरेंट है तो हम आसानी से उस प्लांट के लिए पॉल्यूटेंट को स्टडी कर सकते हैं ओके नाउ इन फ्रेश वाटर बॉडीज चेंजेस यदि फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होगा चेंजेस इन डाइटम्स कम्युनिटी डिक्रीजेज इन प्लैंगटॉन एल्गी एंड एक्वाटिक हाइड्रोफाइट्स एंड स्प्रेड ऑफ स्फेटना मॉस इंडिकेट इंक्रीज वाटर एसिडिटी स्पेसिफिक चेंज इन द एक्वाटिक फ्लोरा कैन इंडिकेट द पी एच ऑफ द वाटर क्वाइट करेक्टली दैट मीन्स यदि किसी एक्वेटिक सिस्टम के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर स्पैगनम मॉस जो है स्पैगनम है वो इंक्रीज हो रहा है तो इट इंक्रीज उसका मतलब क्या है यदि वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है दैट मीन्स वाटर की एसिडिटी बहुत ज़्यादा है और एसिडिक वाटर होने से क्या होता है जो डाइटम्स हैं या और जो फाइटो प्लान्टॉन्स हैं उन वो क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे तो ये इंडिकेट करता है कि जो वाटर है वहाँ पर एसिडिक है यूट्रोफिकेशन एंड वाटर ब्लूम्स इंडिकेट सीवेज ऑर्गेनिक मैटर एंड केमिकल फर्टिलाइजेशन पोल्यूशन ऑफ द वाटर दैट मीन्स यदि कोई फैक्ट्री से पानी आ रहा है या मतलब या कोई सीवेज का पानी है उससे क्या हो जाएगा कि यूट्रोफिकेशन मतलब हाई हाई जो उस पानी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन तो ये जो ये ये यूट्रोफिकेशन एंड वाटर ब्लूम्स इंडिकेट सीवेज ऑर्गेनिक मैटर एंड केमिकल फर्टिलाइजेशन पॉल्यूशन को वो शो करते हैं कि पानी के अंदर वो ये पॉल्यूटन्स प्रेजेंट हैं स्ट्रीम्स ऑफ द काठमांडू वैली हैड अ हायर परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन टॉलरेंट स्पीशीज देन स्ट्रीम्स ऑफ द मिडल हिल्स तो ये एक सर्वे किया गया था जिससे ये पता चला कि काठमांडू वैली के अंदर जो पोल्यूशन टॉलरेंट स्पीशीज ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू द मिडल हिल्स इस इसके डायग्राम के अंदर आप जो साइज़ हैं डाइटम्स और इनका ये देख सकते हैं कि नॉर्मल के अंदर जो क्या है और जो उसके बाद मतलब जब पॉल्यूशन के बाद जो साइज़ है शेप uh, है वो चेंज हो चुकी है और साइज भी चेंज हो चुकी है नाउ एबंडेंस ऑफ एकॉर्निया इंडिकेट सी इंडिकेट सीवेज एंड हैवी मेटल पॉल्यूशन ऑफ वाटर यह एकॉर्निया आपने ये देखिए फर्स्ट ऊपर वाली स्लाइड के अंदर यह yeah, एक है तो यदि एकॉर्निया यदि बहुत ज़्यादा एबंडेंस में है तो वो इंडिकेट करता है सीवेज एंड हैवी मेटल का पॉल्यूशन पानी के अंदर इनक्रीज इन ई कॉलाई एंड एरोबिक डम्पोजर बैक्टीरिया इंडिकेट्स वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक सीवेज यदि पानी के अंदर ई e. कॉलाई की मतलब दैट इज एसचियर कोलाई और एरोबिक डिकम्पोजर्स की जो बैक्टीरिया ज़्यादा है वाटर सैम्पल के अंदर तो ये इंडिकेट करता है कि जो वाटर का पॉल्यूशन है वो ऑर्गेनिक सीवेज के कारण है तो ये ऊपर आइकॉर्निया का पिक्चर है नीचे ये ई कॉलाई e. का पिक्चर है ओके इन टेरेस्ट्रियल एरियाज टेरेस्ट्रियल एरियाज की हम बात करें तो डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मॉसेज दैट इज इस्फेगन या ब्रायम एंड लाइकेंस दैट इज पार्मेलिया जनरली इंडिकेट्स एयर पॉल्यूशन बाई एसोटू एनओ टू फ्लोराइड एंड एच सी एल दैट मीन्स यदि मॉसेज या लाइकेंस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब पानी एयर के अंदर पॉल्यूशन है एसोटू का एनोटू का फ्लोराइड्स का या एथ सी एल का एबसेंस ऑफ मोस्ट ब्रायोफाइट्स पर्टिकुलरली स्फेगनम एंड ब्रायम इंडिकेट्स एटमोसफियरिक एटमोसफेयरिक एसोटू पॉल्यूशन ऑफ जीरो पॉइंट वन सेवन पी पी एम और मोर और यदि ये गायब ही हो जाए मतलब ये नज़र ही आने बंद हो जाए ये ब्रायोफाइट्स तो दैट मीन्स जो एसोटू का पॉल्यूशन लेवल है वो जीरो पॉइंट वन सेवन पी पी एम से भी ज़्यादा है पॉइकिलोहाइड्रस मॉसेस आर पर्टिकुलरली यूजफुल एस पॉल्यूशन इंडिकेटर्स ओके तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स के लिए इन मॉसेस को हम काम में ले सकते हैं देन चेंजेस इन सेंसिटिव स्पीशीज ऑफ हर्ब्स एंड ग्रासेस अकर मच अर्लियर देन इन द श्रब एंड ट्री पॉपुलेशन तो जो हर्ब्स और ग्रासेस हैं वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं मतलब उनमें पॉल्यूशन का इफेक्ट जल्दी आए नजर आएगा एज कम्पेयर टू श्रब और ट्री पॉपुलेशन जनरली द डिग्री ऑफ क्राउन डाई बैक एंड डेथ ऑफ ट्रीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ एसओ टू एन ओ टू एच एफ एंड एस सी एल पॉल्यूशन इन द एरिया चेंजेस इन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इंडिकेट सॉइल पॉल्यूशन यदि सॉइल माइक्रोर सॉइल को हम स्टडी करें और सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखें तो उनकी पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस शो करता है कि सॉइल भी क्या है पॉल्यूटेड है इंक्रीज इन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया शोज़ एन एच फोर पॉल्यूशन रिडक्शन इन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बैक्टीरिया शोज़ एन ओ थ्री पॉल्यूशन ियल पॉपुलेशन इंडिकेट सॉइल एसिडिफिकेशन एंड पेस्टिसाइड पॉल्यूशन तो आप सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि सॉइल के अंदर कौन कौन से पॉल्यूशन या कौन कौन से पॉल्यूट प्रेजेंट है ओके okay? तो so, ये ब्रायम है और ये पार्मेलिया जातीस ये लाइकन है और ये ऊपर आपका मॉसिस uh, दे रख है now physiological and yield analysis the rates of growth photosynthesis respiration enzymes activities percentage of flowering yield of fruits and seeds percentage of seedling mortality in sensitive species are important characteristics that are very useful in determining the type and level of pollution in an area because these show higher characteristics and specific changes even before other ॉजिकल और वेजिटेशनल चेंजेस अपियर जो भी मतलब ये करैक्टर्स मैंने बताया ना फोटोसिंथेसिस है रेस्पिरेशन है एंजाइम एक्टिविटीज ये सारे के सारे पॉलिटेंट्स के कारण या पॉल्यूशन के कारण बहुत जल्दी से इनके अंदर चेंज आते हैं एज कंपेयर टू द अदर करेक्टर्स तो हम इनको स्टडी कर सकते हैं इन जनरल पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन अब क्या क्या चेंजेस आएंगे देखिए यदि पॉल्यूशन है तो उससे क्या होएगा इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन होएगा डिक्रीज रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस होएगा दैट मीन्स यदि पॉल्यूशन है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल इंक्रीज़ एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कैटाबॉलिक एंजाइम्स डिक्रीज और इनहिबिशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एनाबॉलिक एंजाइम्स रिड्यूस्ड फ्लावरिंग तो उन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग रिड्यूस्ड होएगी एंड सीड आउटपुट तो फ्लावरिंग कम होएगी तो आउट सीड का जो आउटपुट है वो भी कम होगा एंड इंक्रीज सीडलिंग मोर्टैलिटी ओके नाउ एनालिसिस ऑफ विजिबल इंजरी सिमटम्स अब विजिबल जो इंजरी सिम्टम्स हैं उनका किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं लीव्स ऑफ सेंसिटिव स्पीशीज जनरली प्रोड्यूस हाईली स्पेसिफिक एंड करेक्टरिस्टिक विजिबल इंजरी सिम्टम्स इन रेस्पॉन्स टू पॉल्यूटेंट्स अब वो क्या क्या इंजरी सिम्टम्स होंगे द स्टडी ऑफ सच सिम्टम्स कैन इट रियली इंडिकेट द टाइप एंड लेवल ऑफ पॉल्यूटें प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट फॉर सच एनालिसिस लीव्स ऑफ सेम एज आर कलेक्टेड एट

लीफ के अंदर वो कौन कौन से होंगे लाइक क्लोरोसिस होएगा नेक्रोसिस होएगा डी कलराइजेशन या लीफ का जो टिप है वो बर्न हो जाएगा या मॉटल्स मतलब स्पॉट्स सबको नजर आएंगे ओके करेक्टरिस्टिक कलर्स एंड पैटर्न ऑफ दीज सिमटम्स इन पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इंडिकेट द टाइप एंड लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट प्रेजेंट तो जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है वो पॉल्यूटेंट कि किस तरह से होएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट से कौन सा स्पेसिफिक सिम्टम शो हो रहा है हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस In some plant species, specific pollutants cause highly characteristic damage to cells and tissues. The careful analysis of the type of degree of such cells or tissues damage in the sections of various plant parts is very useful indicator of pollution problems. For example, fluorides causes highly specific injury in the cells and tissues of pine needles. Okay, so histological analysis, bhiha? कर सकते हैं देन अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसके अंदर क्या होगा पॉल्यूशन कैन ऑल्सो भी मॉनिटर्ड बाई स्टडी ऑफ स्पेसिफिक इंजरी सिम्टम्स इन द सेल सेल ऑर्गेनिल्स लाइक सेल ऑर्गेनिल्स को भी स्टडी करके हम पॉल्यूटेंस का लेवल या उसकी कंसेंट्रेशन पता लगा सकते हैं पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड सेल मेम्ब्रेन को हम स्टडी करके जैसे फॉर एग्जाम्पल एसुडो पॉल्यूशन कॉजेज मेम्ब्रेन डैमेज इन मॉस स्फेगनम Chloroplast degradation and membrane damage in mosses, grimia pulvinata and hyphen uh, frame while PB lead pollution indicates uh, the presence of electron dense recycle containing lead uh, containing lead in lead in the cells of moss, rhytidal squerosus. ओके okay. तो मतलब ये जो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एनालिसिस के थ्रू दैट मीन्स अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स हैं एक नॉर्मल सेल के किस तरह से ऑर्गेनिल्स होंगे और जो पोल्यूटेंट सेल है उसके ऑर्गेनल्स के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी करके भी हम पॉल्यूशन के लेवल को पता लगा सकते हैं ये चाहिए कुछ हैं। ये कुछ सिम्टम्स दे रखें लाइक ये देखिए ये जो क्लोरोसिस हो रहा है ये क्या है माइल्ड क्लोरोसिस है फर्स्ट लीफ में आप देखेंगे फिर उसके बाद ये फर्स्ट लिफ तो ये सही है उसके बाद सेकंड लिफ के अंदर क्या माइल्ड क्लोरोसिस हो रहा है यदि हम ये राइट हैंड साइड की बात करें सबसे नीचे वाली पिक्चर जो ही नीचे ही बिल्कुल येलो हो रही है लीव दैट इज सीवियर क्लोरोसिस हो रहा है येलोइंग ऑफ लीफ हो रही है यहाँ पर आप सिम्टम्स देख सकते हैं ओके दैट मीन्स ये जो ये जो लीफ के अंदर आप सिम्टम्स देख सकते हैं कि किस तरह से नेक्रोसिस हो रहा है या यहाँ पर किस तरह से मॉटल्स हो रहा है तो ये क्या है गुड कंडीशन यदि हम इसके अंदर मतलब सॉइल के अंदर देखें तो ये क्या गुड कंडीशंस के अंदर है फिर सेकंड जो हम देखिए मॉडरेट कंडीशंस के अंदर है और वो बिल्कुल पुअर कंडीशंस के अंदर हैं और उस वजह से जो कि उनके अंदर क्या अलग अलग चेंजेस हैं यदि हम सॉइल को स्टडी करें तो उनके और्गे, माइक्रो ऑर्गेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल भी क्या है डिफरेंट हो चुके हैं मतलब नॉर्मल से अलग हो चुके हैं केमिकल एनालिसिस एक्ूमुलेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक सबस्टेंसेज इन डिफरेंट प्लान पार्ट कैन ऑल्सो इंडिकेट द टाइप एंड लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट मतलब केमिकल एनालिसिस करके भी हम इसका पता लगा सकते हैं एस ओबलिंग एंड रेशो दैट इज सल्फर एंड नाइट्रोजन रेशियो सल्फर इज एक्मुलेटेड इन द पॉल्यूशन ऑफ एसो टू एंड एच टू एस एंड नाइट्रोजन कंटेंट इज इंक्रीज इनो टू एंड एन एच फोर पॉल्यूशन इन द लीवस एंड ट्विग्स ऑफ सेंसेटिव प्लांट वेरी यूजफुल इंडिकेटर ऑफ द रिलेटिव प्रपोर्शन इन द एटमोसफियर मतलब एस अपॉन एन रेशो से हम ये पता लगा सकते हैं कि सल्फर पॉल्यूटेंट ज्यादा है या नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट ज्यादा है अमीनो एसिड कंटेंट इंक्रीज ऑफ अमीनो एसिड पर्टिकुलरली ग्लूटामिन एंड एस्पार्जी इन द लीव्स बाय अ फैक्टर ऑफ टेन देन द नॉर्मल शोज एन एच थ्री पॉल्यूशन वैल इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ टू इंडिकेट एनओ टू और एसो टू पॉल्यूशन इन द एटमोसफियर तो अमीनो एसिड कंटेंट से हम पता लगा सकते हैं देन पिगमेंट एनालिसिस से या बार्क एसिडिटी से तो कैमिकल एनालिसिस को डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एनालिसिस सॉरी करके हम डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं नो मेटल एक्यूमलेशन मॉस बैग टेक्निक इन सारी ये चाहे मेटल एक्यूमलेशन मैनी प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एंड एक्यूमलेट डिफरेंट मेटल्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट मेटल एक्यूमलेट इज वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ मेटल पॉल्यूशन तो क्या होता है कई बार जो मेटल्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और फिर उन प्लांट इंडिकेटर्स या आप इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं उनका केमिकल एनालिसिस करके कि उनके अंदर कौन सा मेटल एक्यूमलेट हुआ है और कौन सा पॉल्यूटेंट इनके अंदर प्रेजेंट है देन मॉस पैक टेक्निक दिस टेक्निक हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एटमोस्फेरिक मेटल पॉल्यूशन टेन स्क्वायर सेंटीमीटर फ्लैट बैग्स ऑफ नाइलॉन नेट्स आर फिल्ड विद द एसिड वॉश्ड क्लीन स्वेगनम मॉस uh, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं जो इस स्वैगनम का मॉस है उसका बैग बनाते हैं और उसको हम ट्री पर या कहीं पर लटका देते हैं तो वो कितना क्योंकि वो जो स्फेगनम क्या है वो मेटल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको हम बाद में उसमें से कितना मेटल उसने ऑब्जर्व एब्जॉर्ब किया है उसको हम चेक करके मेटल का जो मेटल एक्यूमुलेशन है या पॉल्यूटेंट है उसका पता लगा सकते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कार्निवरस प्लांट्स डीपली एफेक्टेड बाय द पॉल्यूशन जो कार्निवर्स प्लांट्स हैं तो स्टडीज ने ये शो किया है स्टडी कंडक्टेड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट दे टुक सेवरल सैंपल ऑफ द राउंड लीफ संजू प्लांट। प्लान्ट संजू इज ए कार्निवर्स प्लांट्स दैट राउंड फ्लैशी लीव्स कवर्ड इन द स्कारलेट स्पाइंस। राउंड लीफ संजू प्लांट्स थ्राइव इन लो नाइट्रोजन एरियाज Nitrogen is an important plant food that is usually drawn from the soil through the plant's roots. But since the sundew lives in the lives in the environment where this element is scarce, it supplements itself with a diet of insects. The sundew is particularly useful to the environment because it helps control the. लोकल फ्लाई एंड मिच पॉपुलेशन तो ये संड्यू के बारे में कई साइंटिस्ट ने स्टडी किया जैसा कि आप सबको ही पता है कि जो कार्निवरस प्लांट्स हैं वो लोज वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर क्या है ऑफ नाइट्रोजन होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को लेते हैं तो ये हेल्प करता है कंट्रोल लोकल फ्लाई और मिच पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि वो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं उनको दे ईट इट However, pollution caused by the industrial इंडस्ट्रियल release रिलीज नाइट्रोजन the air. एयर अब ये किस तरह से हमें इफेक्ट मतलब एज अ इनको इंडिकेटर यूज किए जाते हैं क्योंकि यदि पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रीज से कॉज हो रहा है वो क्या रिलीज करते, है? करते हैं नाइट्रोजन कॉज करते हैं इन टू द एयर विच इज विच इंटर्न गेट्स स्कैटर्ड अप इं टू द टॉपोसफियर द नाइट्रोजन स्प्रेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज एंड इन टू द वाइल्ड थ्रू द रेनफॉल दिस इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फाउंड विद इन द सॉइल एंड द वंस नाइट्रोजन डिवाइड हैबिटेंस ऑफ द सन डू सडनली फाइड सेल्फ फुल ऑफ द पॉल्यूटेंट मतलब इसका मतलब क्या है कि अब जो इंडस्ट्री से नाइट्रोजन पॉल्यूशन निकला अब इनको वैसे तो ये अपनी नाइट्रोजन की स्कारसिटी किससे पूरा करते हैं कोई भी फ्लाई से या इंसेक्ट से पर यदि इनको नेचुरल मतलब इनको क्या हो रहा है इंडस्ट्री के पॉल्यूटेंट से नाइट्रोजन मिल रही है तो दे स्टॉप टेकिंग द फ्लाइज और उससे क्या होगा जो फ्लाइज़ और जो ये बाकी के माइट्स हैं इनकी मात्रा उस अनवायरमेंट में भर जाएगी तो दैट मींस ये इंडिकेट करते हैं जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और इससे वो इंडिकेट करते हैं कि ये नाइट्रोजन जो पॉल्यूटेंट है वो एटमोसफियर में बहुत ज़्यादा है ओके सो कैन यू रीड थ्रू द होल पैराग्राफ

ये अलग अलग उसका है लाइक टॉलरेंट स्पेड्स ग्रोइंग एट अ पॉल्यूटेड साइट तो ये टॉलरेंट स्पीशीज़ है जो कि आराम से ग्रो हो रही है ओके okay? उसके बाद बी में क्या क्लोज अप ऑफ ए मायस हायोफिला शोइंग नो सप्रोफिटिक नो स्पोरोफिटिक प्रोडक्शन तो यदि इसके अंदर मतलब कुछ पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या है इनके अंदर स्पोरोफाइट्स नहीं बन पा रहे हैं ओके okay? तो ये अलग अलग पिक्चर्स हैं नीचे कैप्शन दे रखे हैं तो जस्ट गो थ्रू इट एंड रीड दैम नो लाइकेस एज इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स ये भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूजिंग लाइकेस एज बायो इंडिकेटर और एयर पॉल्यूशन अदर एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक एनो एक्स और ओ थ्री हैवी मेटल हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कॉज डिसअपियरेंस ऑफ लाइकेंस फ्राम सिटीजन इंडस्ट्रियल एरियाज तो दैट मीन्स जो ये लाइकेस है वो इन हैवी पॉल्यूटेंट्स की वजह से कंप्लीटली क्या हो गए डिसअपियर हो गए इन 1866, it was इट that नोटेड द disappeared from Jardin जॉर्डिन डी near नियर पैरिस स्मोक फ्रॉम बम्बिंग ऑफ कोल वॉज द कोर्स मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया 1866 के अंदर कि पॉल्यूशनस की वजह से जो लाइकेंस थे वो उस एरिया से डिसपियर हो गए हैं और फिर उसके बाद से ये माना गया कि लाइकेंस को भी हम इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स की जैसे यूज़ कर सकते हैं लाइकेंस आर डिफरेंटली सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन तो लाइकेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो जो फ्रूटिकोस टाइप का लाइकन है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है देन फॉलियोस सेकेंड नंबर पे आता है और देन क्रस्टोस है वो दो मोस्ट रेजिस्टेंट टाइप का होता है पॉल्यूटेंट के लिए लाइकेस आर डिफरेंटली सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशंस fruticose uh, are the first group to disappear from the polluted area crustose lichens are the most resistant to the air pollutions okay नो कंक्लूजन कुछ एडवांटेजेज़ हैं और कुछ डिसएडवाटेजेस हैं एडवांटेजिज़ लाइक ऑल द मैनेजमेंट टूल्स वी मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ इट्स फ्लॉस हाव एवर द लिमिटेशंस ऑफ बायो इंटिकेटर्स आर क्लियरली ओवर शेडोल्ड बाय देयर बेनिफिट्स मतलब हमें जो बेनिफिट्स हैं वो इसके ज़्यादा हैं और जो डिसएडवाटेज हैं वो कम हैं तो हम जस्ट गो थ्रू दिस लाइन इसको आपने पढ़ ही लिया है मतलब आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट तो इसका आप कंक्लूज़न निकालिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवेंटेजेस के बारे में स्टडी कीजिए थैंक यू सो मच दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लांट इंडिकेटर्स और बायो इंडिकेटर्स तो आप इन जो भी डिटेल्स में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है एक्चुअली स्लाइड्स के अंदर तो उनको आप पेशेंटली या धीरे से आप पढ़ सकते हैं उसको और आप अपने नोट्स यदि आप हिंदी में चाहते हैं तो वैसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है आप उसको समझ के और आप नोट्स बना बनाए इसके थैंक यू सो मच